बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेडरूम सुंदर है, लिविंग एरिया बड़ा अच्छा है, बाथरूम कैसा भी हो काम चलेगा। नहीं, बाथरूम एक ऐसी जगह है ना जहां पर से आपके जीवन की समस्याएं नियंत्रित होती हैं। आपके जीवन में मुश्किलें कितनी होंगी, ज्यादा होंगी कम होंगी, ये आपका बाथरूम बता देगा। इसलिए जैसा रेखा भी कह रही थी कि एक बात वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई। तो बाथरूम को भी हमेशा साफ सुथरा आपको रखना है और बाथरूम में पानी की बर्बादी मत करिए। बहुत सारे लोग बाथरूम में बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर ज़रूरत है तो करिए, लेकिन सामान्यतः पानी की बर्बादी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाथरूम के रंग की अगर बात करें तो बाथरूम में नीला रंग या पर्पल कलर, बैंगनी रंग का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा। ब्लू या पर्पल कलर का इस्तेमाल करना अच्छा होगा। आप सफेद रंग का इस्तेमाल भी बाथरूम में कर सकते हैं। बाथरूम में हल्की खुशबू आए, बदबू ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा। और बाथरूम के बारे में हमेशा समझिए कि बाथरूम में पानी बर्बाद मत करिए, बाथरूम को बहुत गीला मत रखिए, बाथरूम में बहुत गंदगी मत करिए, क्योंकि अगर आप बाथरूम में उपद्रव करेंगे, पानी बर्बाद करेंगे, चंद्रमा खराब होगा, दिमाग खराब होगा। बाथरूम में गंदगी करेंगे, टेंशन्स बढ़ेंगे जिंदगी में। बाथरूम को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, आपके जीवन में बाधाएं निरंतर आती रहेंगी। तो अपने बाथरूम को जितना अच्छा आप रखें उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। फ्लैट तो हवा में बना हुआ है, ज़मीन पर बना नहीं है, तो फ्लैट में बाथरूम कहीं भी हो सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कलर आप ध्यान रखिएगा फ्लैट में, जब भी आप बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तब। अगर आप ग्राउंड फ्लोर के मकान में रहते हैं, जमीन के मकान में रहते हैं, तो आपको उत्तर पश्चिम के कोने में, नॉर्थ वेस्ट के इलाके में बाथरूम बनवाना चाहिए, जिसको वायव्य कोण कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट का इलाका बाथरूम के लिए सबसे सुटेबल है, सबसे अच्छा है, वहां पर बनवाइए अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। और अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बाथरूम कहीं भी हो सकता है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि उसमें वेंटिलेशन ठीक हो, उसका रंग ठीक हो, उसमें पानी की बर्बादी ना होती हो। देखिए, अगर हम शास्त्र की बात करें तो भगवान गणेश को विघ्न विनाशक मानते हैं। किसी भी तरह की बाधा को दूर करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अब मान लिया आपके घर में कोई वास्तु दोष है या कोई वास्तु की समस्या है या आपका घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की पूजा करके आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि भगवान गणेश का एक चित्र या भगवान गणेश की एक मूर्ति मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगाइए, बाहर की तरफ कभी नहीं। बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर की तरफ गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ भगवान गणेश का एक चित्र या भगवान गणेश की एक मूर्ति लगाइए, ताकि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप उनको देख करके निकलें। इस तरह का चित्र या मूर्ति अगर आप लगाते हैं तो बहुत हद तक आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप रविवार के दिन एक लोटे में जल भर लें और जल भर करके अपने सामने रख लें और फिर उसके सामने बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। जप करने के 10 मिनट बाद उस जल को लेकर के पूरे घर में छिड़क दें और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। अगर वास्तु दोष की वजह से घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है या वास्तु की समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो इस उपाय को करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। तो भगवान गणेश की स्थापना करके, गायत्री मंत्र का प्रयोग करके आप अपने घर के वास्तु दोष को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं।